नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आज के दिन दिवस अवतरित मानवेंद्र सिंह से करवार उर्फ गांधी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व उपाध्यक्ष शुगर फैक्ट्री स्वर्गीय कन्हैया या लाल सिंघल के पुत्र गल्ला व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंघल के निज निवास पर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर के साथ एवं धूमधाम से जयंती मनाई गई, जिनके साथ अभिषेक सिंघल, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस रवि गर्ग, माखन शाक्य किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पहाड़गढ़ गौरव सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री पत्रकार काली चरण, रिंकू नवल सिंह, शिवम योगी, छोटू ठाकुर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ में जयंती मनाई और मानवेंद्र सिंह से करवार गांधी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम को गौरव सिंह चौहान द्वारा आह्वान किया गया। संवाददाता राजेंद्र कुमार गौड़। मनाई गई आज हमारे परम पूज बापू जी की जयंती श्री स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल सिंघल के निवास पर मनाई गई। उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय शास्त्री जी की भी साथ में जयंती मनाई गई तथा हमारे भतीजे श्री मानवेंद्र सिंह गांधी भैया का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें सभी कांग्रेस जन एवं आम लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए गए। इस उपलक्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बापू के आदर्शों पर मार्गदर्शन रहे। कम से कम 50 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और मेरा तो सभी से यही संदेश है, निवेदन है, प्रार्थना भी है कि बापू जी के पदचिन्हों पर चलें, अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ रखें, अपने घरों को साफ रखें, स्वच्छ। हाँ, भारत में कोरोना महामारी चल रही है, उसके लिए इससे निजात मिले आम जनता को और हर व्यक्ति से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि मास्क जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।